रेल में कैसे आया रे सरदार? जहाँ तुम वहाँ हम। जहाँ हम वहाँ तुम। हाँ सरदार। पर मेरा कहने का मतलब यह है कि WCL में हम लोग आए कैसे, मालूम है कि नहीं सरदार? पूरे के पूरे 50 साल। 50 साल नरक भोगने के बाद जो हमने प्रताड़ना झेले हैं, उसके बाद हमको यमराज ने ये कोयले की खान में पहुंचा दिया, दुर्घटना पैदा करने के लिए। हाँ सरदार, स्पेशल फोर्स बनाया है। पूरे 50 साल यातना नरक की भोगने के बाद यमराज ने भेजा है हमें, और तुमने मेरा नाम पूरा कोयले में मिला दिया है, काला कर दिया है उसको। नहीं सरदार, और क्या। देखो, लक्ष्य था कम से कम इस खदान से हम 10-5 दुर्घटनाएं, 5-10 मौतें यमराज को भेजेंगे। हाँ सरदार। क्या अभी तो कुछ नहीं हुआ? अरे सरदार, यहाँ पे इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन? हाँ सरदार, बहुत सुना हुआ नाम लग रहा है। ये खदान से बहुत याराना है इसका। हाँ, इमरजेंसी ऑर्गेनाइजेशन मतलब वही जो खतरों से बचाव करने की टीम बनाई जाती है। हाँ सरदार। हाँ, बरसात, पानी, हाँ, आग, हाँ, विस्फोट, हाँ, और रूप फॉल, साइड फॉल, इन सभी से बचने के लिए बहुत सारे उपाय तैयार किए गए हैं। ये सब हमारे रामगढ़ के समय भी होता था। हाँ सर, बरसात, आग, पानी, इन सबसे बचाव के लिए हम भी इंतजाम करते थे बड़े बड़े। जब तुम्हें मालूम है सारी बातें, तो उनमें जो कमजोरियां हैं उनको पता लगाओ और कहीं ना कहीं से दुर्घटना पैदा करो। अरे सरदार, दुर्घटना कैसे पैदा करेंगे? अरे जब हम रामगढ़ के जमाने में हमारे पास हमारे कंधों में बंदूक होती थी, AK-47 होती थी, और ये क्या, अब ये आपके जमाने में ये देखो, ये खड़क दिखा दिए। तुमको यहाँ खून की नदियां बहाने के लिए नहीं भेजा गया है। जो यमराज ने कहा है केवल मौत, और मौत के लिए कामगार लापरवाही करे वो शिकार हो सकता है। तुम मारोगे उसे क्या? खून की नदियां नहीं बहाना है हमें, हमें केवल दुर्घटना पैदा करना है। समझ में आया कुछ सरदार? वो रामगढ़ का ठाकुर नहीं, यहाँ पे सुरक्षा अधिकारी है जो खदान की सारी जानकारी ऐसी तैयारी रखता है कि हम कुछ नहीं कर पाते। उन्होंने जेहुक, राड, लोहे की बड़ी बड़ी चादरें, और सरदार खदानों के अंदर की बात कर रहे हो ना। हाँ, खदानों में बहुत सारे सुरक्षा प्रबंध किए हैं, पर हमें इन सबके बावजूद दुर्घटनाओं को पैदा करना है, आदमी को अपने जाल में फंसाना है। ठीक है सरदार, हम कोशिश तो करने के लिए बिल्कुल तैयार है। पांबा। हाँ सरदार। तूने मेरा नमक नहीं खाया? अरे सरदार, मैंने आपका ही तो नमक खाया हूँ। तो फिर समझ ले, मेरे कामगार काम करने आ रहे हैं। हाँ सरदार, रेल ऑर्डर वो आ रहे हैं, उसमें से एक तो पिया हुआ लगता है। वो लगता है एक तो पिया हुआ है, वो हिल रहा बहुत। सही में सरदार, आज तो उसको छोड़ेंगे नहीं। ये बात सही है, ऐसा ही लापरवाही इंसान चाहिए, और जो पीला हो, नशा किया हुआ हो, ठीक है, जो लापरवाही, आज ये केस मेरे को चाहिए। ठीक है सरदार, बिल्कुल मैं छोड़ूंगा नहीं आज। ठीक, टोपी छोड़ कर यू न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। जूता टोपी छोड़ कर यू न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आइए। अल्लाह रब्बा, इतने सी बात न जाना, सहनाज तेरा प्रोग्राम देखने जाना है, हमको प्रोग्राम जाना है। क्योंकि हम आपसे कह देते हैं, जूता टोपी पहन कर जाओ, नहीं जाओगे तो वहाँ से सही सलामत आने की कोई गारंटी नहीं, कभी टांग तुड़ा कराओगे। मुझे तो देव फुजूल की बात करने की आदत तो है ही नहीं, ये बसंती की बात है, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। ठीक कह रही हो बसंती। तुम कहती हो तो बसंती जी, आज मैं पहन लेता हूँ ना। पहनो ना पहनो तुम्हारी मर्जी, पहनो ना पहनो तुम्हारी मर्जी। हाँ वीरू, खदा से वापस कितने बजे आओगे?
6 बजे, 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे। वैसे ही कोई प्रोग्राम के लिए अक्सर खदान से भाग कर आते हो। भट्टी जाओगे, कभी ऑर्केस्ट्रा जाओगे, कभी पिक्चर जाओगे। कभी हमसे भी पूछा है कि हे बसंती, कोई प्रोग्राम देखने चलोगी या नहीं चलोगी? पूछो, पूछ ले। क्या तुम भी चलोगी बसंती प्रोग्राम देखने? इतने प्यार से पूछ रहे हो तो चलना तो पड़ेगी। देर हो गई तो झिकझिक मत करना। बार सुना है झिकझिक तुमसे बसंती। यूं की कौन बोला? हम आपसे तो बात करने रहे हैं। खदान, अब खदान भी जाओ, टेम हो रहा है। तुम लोग जल्दी जल्दी जाओ और जल्दी जल्दी वापस आओ। ठीक है, चल वीरू, चलते हैं खदान। ले जा रहे हो तो सही सलामत घर वापस ले आना। आप कहते तो हम जरूर साथ में ले आएंगे। ये दोस्ती दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती दिलाओ तुमको मैं।
जिससे मेरे साथी के जीवन संकट में पड़े, समझे? और तुम यहाँ पे सिगरेट और दारू पी रहे हो, समझे? चार्जशीट दिलाऊंगा तुमको। चलो ठीक है, देखो हमारे साथ कुछ मेहमान आए हुए हैं, हम उनको खदान दिखा के आते हैं, हैं? आधे नो टिप में जाएंगे और आधे चार टिप में जाएंगे और बाकी हमारे साथ आएंगे। डूब जाएंगे आप तो पल तक फैंसिंग पार करके गाड़ी भर के सैलाब का प्रोग्राम देखने जाएंगे। ठीक है, तू नहीं मानता तो चल टास कर लेते हैं, निकाल अगर ये पाया तो गाड़ी भरेंगे और पट आए तो गाड़ी नहीं भरेंगे। समझ गया ठीक से? तू नशे की हालत में कुछ मत करना बता दे, नहीं तो कैसे सुनना। पर मैं कर लूंगा टास, मैं कर लूंगा। हाँ ठीक है, चल चल गाड़ी भरेंगे। हाँ चल गाड़ी भरते हैं। Don't go yet, my young guy.
भागे तो नहीं हो? भागने की कोशिश? अम्मा मियाँ, मुझे देखकर ही भागने की जी तोड़ कोशिश करने लगे हो लोग, पर मैं भागने दूँ तब ना? आगे सूरमा भोपाली ऐसे ही नाम नहीं है हमारा, दोनों बर्बाद, फेंसिंग के और फाल से कोयला भर रहे थे, फाल का कोयला भर रहे थे, फाल से मैं इन्हें हमारी खजाने फाल से मैं और वो भी फेंसिंग के और फाल से कहाँ है वो दोनों? पहले के लाओ मेरे पास, मैं उनको सब भी सस्पेंड करवाता हूँ, ले के आओ, कहाँ है वो? फाल से माय हमारी खदान से ये क्या हो रहा है? ये दूसरा फाल से माल भरे तो लोग हमारी खदान से फाल और वो माल मैं तुमको सस्पेंड कराऊंगा, मैं तुमको चार्जशीट दिलाऊंगा, मैं बहुत तेरे सजाया हूँ मालूम, क्योंकि तेरे की वजह से हमारी बदली हो जाती है, और जब हमारी बदली हो जाती है तो हम नहीं बदले तो तुम क्या बदलोगे? हमें माफ भी कर दो सरदार। ठीक है, चलो ठीक है, तुम जाओ आज तैनात का प्रोग्राम देखो भैया, और टोकन आओ और टोकन ऑफिस से सुबह आके बड़े प्यार से चार्जशीट ले लेना। हमारी बात नहीं जाना चाहिए, दो थे और तुमने उसके बावजूद में एक भी शिकार नहीं किया, धिक्कार है। नहीं सरदार, कोशिश तो मैंने बहुत किया था। इतना समझाया था तुमको, शिकार को जाल फैला के उसको कवर करो, साइड फाल गिराओ, छानी गिराओ, कुछ तो करना था। अरे सरदार क्या करते हैं, सेफ्टी के इतने सारे उन्होंने जूते पहन रखे थे, हेलमेट लगा के रखे थे, लाइट थे, मैं क्या करता, सभी उपकरणों का उपयोग उन लोगों का। बस अब एक ही काम रह गया है, पतली गली से निकल चलो, इस खदान में कोई दुर्घटना होना संभव नहीं है। हाँ सर, नहीं गलेगी बिल्कुल, चलो चलो।